प्लीज सब्सक्राइब प्रेस द बेल आइकॉन। हेलो दोस्तों, निशा क्रिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए प्लास्टिक कैनवास का न्यू डिजाइन लेकर आई हूँ। इस डिजाइन में मैं मोती का यूज करूंगी, तो आइए देख लेते हैं डिजाइन को। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इस तरह से प्लास्टिक कैनवास को इस तरह से पकड़ा हुआ है। अब यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4, किसी भी साइड से काउंट करेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, और यहाँ से भी मैंने काउंट कर लिया है। तो देखिए, इस होल में हम इस तरह से निकालेंगे पहले वाले होल में, और यहाँ पर आएंगे 1 2 3 4, यहाँ पर आकर धागे के बीच से इस तरह से निकाल लेंगे इसे। तो देखिए फ्रेंड्स, अब इसके साइड में इस तरह से निकालेंगे, यहाँ पर इसे साइड में निकालेंगे और इस तरह से इसी होल में लाएंगे। ये बीच वाले होल में हम इसी में निकालेंगे, फिर से इसमें जाएंगे तीसरे कॉलम में 1 2 3, यहाँ पर ये थर्ड कॉलम में हम इस तरह से निकाल लेंगे, फिर से इसी कॉलम में आएंगे और इस कॉलम में यहाँ पर निकाल लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हम फोर कॉलम में निकाल चुके हैं, अब इस साइड में आ जाएंगे। देखिए इस साइड में इस तरह से निकालेंगे और इसी कॉलम में निकालेंगे, बीच में हम एक ही कॉलम में निकालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने एक ही कॉलम में ये सभी किनारी साइड में मैंने कॉलम चेंज किए हैं, बीच में हमारा एक ही कॉलम में सभी धागे निकले हुए हैं। अब हम इसे मैट को घुमा लेंगे इस तरह से। अब इसके ऊपर वाले कॉलम को काउंट करेंगे ये वाले कॉलम से। देखिए अगले वाले कॉलम में 1 2 3 4, इस फोर कॉलम में हम इस तरह से निकालेंगे। अब यहाँ पर हम इस कॉलम में निकालेंगे, जिस कॉलम से हमने काउंट किया था उसी कॉलम में निकालेंगे और साइड से एक एक स्टिच निकालेंगे 3 टाइम। देखिए 1 2 3 और ये 4, इस तरह से मैंने 4 टाइम इस तरह से निकाल लिया है। अब इस कॉलम में आएंगे तो इसके साइड में जाएंगे, यहाँ पर साइड में आएंगे। ये देखिए इस तरह से इसके साइड में हम आते हैं और यहाँ पर भी हम 3 टाइम इस तरह से निकालेंगे। ये देखिए, ये हमारा बीच का हो जाएगा। 3 टाइम हमने इस साइड में निकाला, 3 टाइम हमने इस साइड में निकाला हुआ है, और बीच का होल हमारा एक ही होल में, ये सारे स्टिच एक ही होल में निकलेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, एक ही कलर से हमने दो तरफ इस तरह से बना लिया है। अब सेकंड कलर में हम इस साइड में बनाएंगे। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम काउंट करेंगे इसी की साइड वाले में 1 2 3 4, इस कॉलम में निकालेंगे, 4 4 कॉलम ही हमें काउंट करने हैं, 1 2 3 4, इस साइड में यहाँ पर आएंगे इस कॉलम में, मैट को घुमा लेंगे, जिस साइड में हम बुनेंगे उसी तरह से मैट को घुमा लेंगे। अब यहाँ पर एक एक स्टिच निकालेंगे साइड में, तो यहाँ पर हमें बीच का एक छोड़ने के बाद में 3 टाइम हमें इस साइड में निकालने हैं, 1 2 और ये 3। तो यहाँ पर मैं निकाल लेती हूँ 1 2 और ये 3। देखिए 3 टाइम में हमने इस तरह से निकाल लिया है। अब यहाँ पर साइड में निकालेंगे इस तरफ, इस तरह से हमारा डिजाइन बनेगा। ये देखिए फ्रेंड्स, अब इस साइड में मैट को घुमा लेंगे। अब यहाँ पर काउंट करेंगे 1 2 3 4 और यहाँ पर निकालेंगे और इस तरह से हम साइड में बनाते हुए आएंगे, 3 टाइम निकालेंगे। और इस साइड में आते हुए इसमें निकाल लेंगे, तो देखिए फ्रेंड्स, डिजाइन हमारा इस तरह से बनेगा। जो मैंने ग्रीन से बनाए हैं और व्हाइट से बनाए हैं, आप जो भी कलर चाहें वो यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, बीच में जो गैप दिख रहा है, यहाँ पर हम मोती लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से किसी भी कॉलम में निकाल लेंगे, इस तरह से एक कॉलम में निकाल लेंगे और इस तरह से हम मोती को ले लेंगे। ये देखिए इस तरह से मोती लेंगे और इस कॉलम में निकाल देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा डिजाइन बन जाएगा। आप चाहें तो इसे 2 बार भी निकाल सकते हैं मोती के अंदर से, और इस साइड में आकर इसे हम पक्का कर लेंगे इस तरह से।
और अगला डिजाइन हम इसी तरह से काउंट करके बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इन दोनों डिजाइन के बीच में हम दो लाइन का गैप देंगे, वन और ये टू, एक ये बीच का कॉलम छोड़ेंगे। तो यहाँ से काउंट करेंगे वन टू थ्री फोर, इस कॉलम में निकालते हुए ये फोर कॉलम में हम इस तरह से निकालेंगे। देखिए मैट को मैंने घुमा लिया है और इसी तरह से बनाएंगे, जिस तरह से मैंने यहाँ पर बनाया है उसी तरह से यहाँ पर भी बनाकर कंप्लीट करेंगे। बीच का ये छोड़कर यहाँ पर हम थ्री टाइम इस तरह से निकालेंगे, वन टू और ये थ्री। अब इस साइड में आ जाएंगी, वन टू और ये थ्री, इस तरह से। इसी तरह से हम इस साइड में आएंगे, सेम जिस तरह से ये वाला बनाया है उसी तरह से बनाएंगे, इस तरह से आएंगे और इसके अगले वाले कॉलम में यहाँ पर काउंट करेंगे वन टू थ्री फोर, यहाँ पर आएंगे और इसी तरह से हम बनाएंगे। बना लेते हैं फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, सेकंड डिजाइन भी हमने इस तरह से बना लिया है और इस कॉलम में निकालते हुए हम ये इस तरह से मोती को लगाएंगे और इसी कॉलम के इस साइड में निकालेंगे और यहाँ पर हम बैक साइड में इस तरह से इसे पक्का कर देंगे। फ्रेंड्स, ये डिजाइन आपको अच्छे लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड दोस्तों में शेयर कर लें। तो देखिए फ्रेंड्स, पूरी मैट में बनकर डिजाइन हमारा इस तरह से आएगा। अब यहाँ पर हम इसे बीच में आपको फिल करना बताएंगे, जो हमने दो कॉलम छोड़े हुए हैं हम इस कॉलम में निकालेंगे इस तरह से, और यहाँ पर ये बीच का कॉलम छोड़ते हुए अगले कॉलम में इस तरह से निकालेंगे इस तरह से, और फिर से एक साइड में निकालते हुए आएंगे और इसके साइड में आएंगे, एक कॉलम नीचे दोनों साइड से उतरेंगे, ये देखिए इस तरह से। ये भी यहाँ पर हमने निकाला है, अब इस कॉलम में निकालेंगे और यहाँ पर इस कॉलम में निकालेंगे, बीच का एक ये कॉलम छोड़ देंगे, ये अंदर रहेगा। देखिए इस तरह से भरते हुए आएंगे, आप चाहें तो इसे और भी कलर से भर सकते हैं, और इसके ऊपर भी हम इसी तरह से फिल करेंगे, इस साइड में भी छोड़ेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस साइड में भी अगर दो कॉलम छोड़ देंगे तो इसी तरह से हमारा डिजाइन चारों साइड से बन जाएगा, दो रो आप नीचे भी छोड़ सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा ये डिजाइन बनकर कम्प्लीट हो जाएगा। अगर ये डिजाइन, ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे और भी डिजाइन इसी तरह के हैं, आप चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज दोस्तों में शेयर कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।